अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। यार आज की इस वीडियो में ना मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि जो है ना पाकिस्तान से लीबिया आके आगे इटालिया जाना आसान है या पाकिस्तान से त्यूनस आके आगे इटालिया जाना आसान है। कुछ सवाल इस तरह के थे मेरे पास, कुछ लड़कों ने मैसेज वगैरह व्हाट्सएप पे किए हैं कि भाई हमें ये बताएं कि अगर हम त्यूनस में आ जाते हैं त्यूनस से हम आगे जा सकते हैं, या अगर हम लीबिया में आ सकते हैं तो आगे लीबिया में भी अगर समुद्री रास्ता है तो त्यूनस में भी समुद्री रास्ता है, और हमें ये बताएं कि डिफरेंट क्या है इन दोनों चीज़ों में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो ये वीडियो मुकम्मल लाजमी देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को आगाज करने से पहले तमाम भाई से रिक्वेस्ट है यार, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल एच बी हद सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे दोस्तों हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगी। तो यार ये वीडियो को ना लाइक लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ये मैं नहीं कह रहा नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छे तरीके से मुझे हेल्प कर रहे हैं वीडियो में, मुझे आसानी हो रही है। क्योंकि देखें अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो वीडियो का जो आप मुझे रिव्यू देते हैं ना उससे मुझे पता चलता है यार मेरी वीडियो आप पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर उस लेवल से मैं फिर अपने माइंड को चला के सोचता हूँ कि यार इस हवाले से मुझे ये वीडियो पसंद की गई है तो नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊंगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो मुझसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि यार मुझे ना जो सवाल ये पूछे जाते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से लीबिया तो आ सकते हैं, आपने बता दिया कि किस किस तरह, क्योंकि अगर किसी भाई ने नहीं देखी वीडियो मेरी वो पिछली वीडियो देख ले, मेरे चैनल पे मौजूद है जो कि मैंने बताया कि पाकिस्तान से लीबिया किस तरह लोग आते हैं या क्या सीन है, पूरा एक तरीकाकार मैंने बता दिया। अभी मुझे कुछ सवाल कह रहे थे कि भाई हमें पाकिस्तान से हम त्यूनस आना चाहते हैं, तो त्यूनस हमें कुछ लोग, क्योंकि ये आजकल जदीद दौर है, हर बंदा कोई भी काम करने से पहले गूगल पर सर्च करता है। ये पहले बता चुका हूँ कि जब मैंने लीबिया में आना था ना तो मैं गूगल पे तकरीबन बहुत ज़्यादा सर्च मैंने की है, यूट्यूब पे गूगल पे लीबिया के हालात, लीबिया में काम की रेशो, लीबिया ऐसा, क्योंकि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मैंने जो है ना आगे का सोचा ही नहीं था कि मैंने आगे इटालिया जाना है। जब मैं एयरपोर्ट पर था, जब मैं यहाँ पर उतरा लैंडिंग की, यहाँ मुश्किल, मुझे तब भी मेरे माइंड में ये ख्याल था यार मैंने इतनी मुश्किल यहाँ पर देखी हैं, चलो मैं आगे निकल जाता हूँ शायद मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी, ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि मैं इन लीगल काम को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। तो ये है कि पाकिस्तान से त्यूनस आने के लिए उसके लिए जाहिर भाई पता है क्या, हर बंदे को पता है कि किसी कंट्री में एंटर होने के लिए ना कम से कम हमें एक वीजे की जरूरत पड़ती है, और जो हालात है इस वक्त लीबिया के, लीबिया में आना आसान इसलिए है कि यहाँ पर एक प्रॉपर हुकूमत नहीं है, प्रॉपर हुकूमत यानी कि आसान नहीं है, इतना भी आया जाता है, लेकिन यह है कि यहाँ पर आप कोई आपको वीज़ा रीन्यू या इस तरह की चीज़ें नहीं है। रही बात त्यूनस की, त्यूनस में आने के लिए प्रॉपर आपको वीज़ा चाहिए होता है, उसमें दो वीज़े, एक तो आपको विजिट वीज़ा मिलता है सही है, और एक आपको जो है ना वर्क वीज़ा मिलता है। दोनों वीज़ों में डिफरेंट ये है कि जी इधर जो है ना एंट्री वीज़ा मैं बोलता हूँ जो इधर लीबिया में होता है सही है, वो इस तरह का सीन त्यूनस में बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर आपको जाने के लिए या तो विजिट वीज़ा चाहिए या आपको वर्क वीज़ा चाहिए, और ये दोनों वीज़े बकायदा आपको पाकिस्तान से एम्बेसी से मिलेंगे। बाज़ इस तरह से चैनल में देख रहा हूँ कि चैनल ने इस तरह बताया कि वीज़ा ऑन अराइवल है जी, वीज़ा फ्री है, त्यूनस वीज़ा फ्री दे रहा है, ये पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पे जाए त्यूनस स्टैंपिंग लगा देता है, ये सब झूठ है यार। मुझे इतना पता है कि कोई भी कंट्री ना, देखें त्यूनस के बारे में खासकर ये कहा जाता है कि त्यूनस में जाना बहुत ही आसान है, और हालांकि ये त्यूनस लीबिया के बिल्कुल साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान से जाना कितना आसान है ये मैं इतना नहीं जानता, लेकिन यह कि मैंने एक दो दोस्त से मेरा रब्ता हुआ, मैंने पूछा, उसने बोला यार यहाँ के दो ही वीज़े होते हैं, यहाँ तो एक विजिट वीज़ा होता है और एक जो है ना वर्क वीज़ा होता है, और वर्क वीज़ा यहाँ पे त्यूनस में क्या करेंगे बॉस, वर्क वीज़ा लेके जाएंगे अगर, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कह रहा था ना कि यार इधर आ जाए आप काम शाम आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत आप एडजस्टमेंट हो जाएंगे, तो त्यूनस में ये सीन है कि बॉस अभी लीबिया में त्यूनसी जो है ना वो खुद काम कर रहे हैं त्यूनस में, लीबिया में आके सॉरी त्यूनस के लोग लीबिया में आने के बाद खुद काम करते हैं। अभी बात टॉपिक की लंबी नहीं करते, आप ये टॉपिक की तरफ आते हैं कि यार मुझे ये कहा गया कि भाई हम त्यूनस से अगर इटली जाना चाहते हैं तो कैसा सीन है, लीबिया से आसान है कि मुश्किल है। भाई मेरे देखें थोड़ा सा अपने माइंड को इस्तेमाल करें, त्यूनस के साथ लगता है माल्टा, माल्टा के साथ फिर आगे आपने जाना इटली सही है, और यहाँ से आपने जाना सीधा इटली, यहाँ से पहले बता चुका हूँ कि माल्टा रिसीव नहीं करता, वो आपको डिपो पकड़ता ही नहीं, पकड़ेगा या फायरिंग करेगा ये सीन होगा, और जो त्यूनस है त्यूनस के साथ माल्टा लगता है,
और वहां से आपने गुजर के जाना है, ठीक है। यहां से लीबिया से अगर लोग जाते हैं ना, ये सीधा जाते हैं इटली, माल्टा ग्रुप की तरफ से नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि वो रिसीव नहीं करता। आज तक कोई ऐसा सीन नहीं देखा गया कि जो यहाँ से गेम निकली हो, शिप वगैरह गई हो, तो वो माल्टा ने रस्ते में रिसीव की हो, या मुश्किलात में वायरलेस छोड़ा हो बंदों ने, तो माल्टा की कोई शिप के पास हो और वो उनको रिसीव करने के लिए चला जाए, वो नहीं। क्योंकि वो एक छोटा सा जजीरा है, वहाँ पे अगर लोग कुछ जाता भी ना वीज़ा लेने के बाद, तो वो कुछ वक्त ही काम करता है, उसके बाद आगे ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि वो भी एक यूरोप कंट्री है, यूरोप से आगे यूरोप फिर आप आसानी से जा सकते हैं। तो यह कि ट्यूनस से, मेरे हिसाब से, मेरे अपने माइंड के मुताबिक जो है ना, ट्यूनस से जाना इटली मुश्किल है। यहाँ यानी कि देखिए, मुश्किल यहाँ से भी है, यानी कि यहाँ से आसान है, यहाँ से भी आपने बजरिया शिप ही जाना है या बजरिया बोर्ड ही जाना है, वो जो भी आपकी बात है या जो भी आपका सीन है, ठीक है, वही समुंदर है, वही आसमान है, ठीक है, वही आपकी मंजिल है। ट्यूनस से भी वही समुंदर है, वही आसमान है और वही आपकी मंजिल है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान से ट्यूनस लोग किस तरह आ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर लीबिया में बंदा हो ना, लीबिया में अगर बंदा हो, तो वीज़ा आपको आसानी से ट्यूनस का मिल जाता है, यानी कि यहाँ से आप ट्यूनस में आसानी से जा सकते हैं। ये भी एक सवाल था मुझे, कुछ लड़कों ने पूछा था कि भाई ट्यूनस जाने के लिए लीबिया अगर हम आ जाते हैं, लीबिया से हम ट्यूनस जा सकते हैं, तो वो आप यहाँ से, मैंने पता किया दो चार दोस्तों से, लीबिया से ट्यूनस कोई मुश्किल नहीं है, जा सकते हैं। यहाँ पे ट्यून्स ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे लीबिया के अंदर, ठीक है। और ये है कि कुछ तो मैंने इस तरह की सीन देखे हैं कि यहाँ से जो ट्यून्स ही हैं, या मतलब कि मिस्री हैं या नाइजीरिया नाइजर के लोग हैं, वो यहाँ से आगे की गेम करते हैं, यानी कि इलीगल काम को प्रेफर करते हैं। तो अगर वो उनको अपने मुल्क में ज़्यादा सेफ लगता हो, तो वो ट्यूनस से आगे क्यों ना जाएं, ये भी आप थोड़ी सी समझ सोच लें। और अगर इतना ही कारोबार ट्यूनस के अंदर मौजूद है, तो ट्यून्स ही लोग यहाँ पर आके काम क्यों करते हैं, वो अपने मुल्क में भी कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि यार, मुझे इतना पता है कि जो मुल्क तरक्की याफ्ता होता है, वो खुद काम किसी और कंट्री में जाकर नहीं करता। हाँ, अगर वो अपने मुल्क के अंदर ही कारोबार कर लेता है, अपने मुल्क के अंदर ही काम करता है, वो एक अलहदा सीन है, किसी और कंट्री में जाके वो काम नहीं करता। यानी कि ये अरब वाले का ना, ये लीबी है या सऊदी अरब है या कोई भी है, वो कुछ उनके जो रहायशी होंगे, उनकी दुकानें होंगी, वो काम करते होंगे, लेकिन यह कि वो किसी और कंट्री में जाके काम नहीं करेंगे। और ट्यूनस, मिस्र, ये इस तरह के मुल्क हैं अरब में ये आते हैं, लेकिन यह कि ये यहाँ पर आके काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे अरबी बोली जाती है वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे वो लीबिया के अंदर आके काम करते हैं। यानी कि इससे दादा लगा रहे हैं कि वहाँ से काम की रेशो यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे अगर आप पैसे कमा सकते हैं, उतने पैसे वो वहाँ पे आप नहीं कमा सकते, ये होगी बात। तो यार, पहली बात और आखिरी यही है कि वहाँ से भी आपने समुंदर से ही जाना है, और यहाँ से भी आपने समुंदर से ही जाना है, वहाँ से भी आपको जान का रिक्स है और यहाँ से भी जान का रिक्स है। जब आपने निकल जाना है और जब आपने जंड के अति चढ़ जाना है, उसने नहीं आपको बताना कि भाई ये रास्ते से मैं आके, वो तो यार इस तरह बताएंगे आपको कि यार ये बस तुम बैठे हो, ये तुम्हारा यूरोप, तुम बने यूरोप के लिए हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम आओ तुम्हें जहाज पे लेके उधर जाते हैं, वहाँ से आगे तुम यूरोप चले जाना। ये चीज़ें होती हैं, और ये हर बंदे के माइंड में यही बात होती है, और हर कोई यही हकीकत बताता है। और ये तो तब पता चलता है कि जब आपको एक जीरो पॉइंट के जाके आपको एक शिप के अंदर या एक बोर्ड के अंदर कोई ट्यूब की होगी या कुछ भी होगा, वहाँ पे बिठा देंगे, वहाँ से बैठने के बाद ये है कि आप अल्लाह या आप और कोई नहीं, बस पहुँच गए तो पहुँच गए, ना पहुँचे तो यहाँ समुंदर में, तो यहाँ जेल में, ठीक है। अगर वहाँ से माल्टा पकड़ेगा तो वो आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं, अगर लीबी की हदूद में आ जाते हैं गलती से, ये भी पकड़ लेंगे, यहाँ पर भी मुश्किलात ज़्यादा, ठीक है। तो ये सीन है भाई, कोई भी काम इनलीगल है, उसको उसका नुकसान है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, जान ब्रिक्स लेके लोग जाते हैं, ठीक है। ये एक रास्ता लोगों ने बनाया हुआ है, किसने बाद नहीं आना, बेशक कोई जितना मर्जी करे, क्योंकि हर बंदा का शौक भी है और कुछ मजबूरियाँ इस तरह की हैं, कोई गुरबत पाकिस्तान में इस तरह की है कि हर बंदा कहता है यार कि मैं किसी कंट्री में अच्छे तरीके से सेटल हो जाऊँ, अपना नहीं अपने बच्चों का, अपने फ्यूचर को मैं अपना प्लान किसी तरीके कर लूँ। तो यार मैं तो बाद इस तरह देखा कि लोग इतनी ज़िंदगी अपनी से तंग है, वो कहते हैं कि हैदर भाई, मैंने एक लड़के से बात की थी, मैंने कहा यार क्या सीन है, उसने मुझे पूछा था इटली का, मैंने कहा यार ये चीज़ को आलमिशन ना किया करो, क्यों यार, कहता है हैदर भाई कि जैसी ज़िंदगी मैं पाकिस्तान में गुजार रहा हूँ ना, तो यार इससे बेहतर है कि यार या तो मैं मर जाऊँगा तो या मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैं उसकी बात सुन के बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ, मैंने सोचा, मैंने कहा यार कि ये बंदे ने किस लेवल की बात कर दी, कहता है कि यार यहाँ पे जो हालात है हैदर भाई आपको नहीं पता, हालांकि मुझे तो सारा पता है, मैं ऑलरेडी पहले वहाँ पर रह के आया हूँ। तो मैंने उसको ज़्यादा उससे ज़्यादा बहस ना की, देखिए इंसान की बहुत सी मजबूरियाँ अपनियाँ भी होती हैं। उसने बोला कि हैदर भाई जो यहाँ की ज़िंदगी है ना, उससे बेहतर है कि यार अगर बंदा यहाँ तो मर जाए या कुछ बन जाए, बस ये उसका माइंड था। हर एक बंदे के माइंड में अपना एक सवाल, उसी का अपना एक जवाब,
हर एक बंदे को किसी न किसी सवाल का जवाब उसके अपने माइंड में बैठा होता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए मैं पहले कह चुका हूँ यार, थोड़े कमा ले। अगर एक मिसाल एक महीने के आप 2 लाख नहीं ना कमाएंगे, कम अज़ कम अगर 1,80,000 भी कमा लेंगे ना, तो कम अज़ कम यार अपनी ऐसी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार लेंगे जो कि आप अच्छे तरीके से जो है ना अपने घर वालों की अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। तो ये आपके सवालों के जवाब थे। तो ये खासकर वीडियो मैंने ना बनानी नहीं थी, ये मुझे मैसेज कमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा आए थे, उसको माइंड में रख के मैंने यार ये रस्ते सारी उस वहाँ से भी समुंदर है, यहाँ पे भी समुंदर है, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ से जाएं वो आपको पता है, वहाँ से जाएं वो आपको पता है, इलीगल है, लिक्स है, हर चीज़ अंदर इसकी काउंट है। तो अभी यार मुझे इजाज़त दें, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मुझे कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में कोशिश करूँगा। अगर शॉर्ट में हो तो मैं आपको मैसेज में बता दिया करूँगा। अगर उसके बारे में मुझे समझ लगे कि यार वाकई ये वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उसके बारे में टॉपिक प्रॉपरली बनाऊँगा। ये वैसे टॉपिक बनाने का मकसद ये था कि मैंने ना यूट्यूब पर भी सर्च किया कि जो है ना जो मेरे व्यूवर्स हैं ना वो इस चीज़ को सर्च कर रहे थे कि जो यहाँ त्यूनस आके आगे जाया जाए तो किस तरह का सीन है। इस तरह लगता है लोगों को कि यार त्यूनस से आगे जा सके भाई रोड बंद है आपने जाना है, ऐसा सीन है ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।